Subscribe to NVC for Maths and press the bell icon to never miss any updates. आज हम लोग न्यू क्वेश्चन 2 में हम लोग को 1, 2 और 3 बचा हुआ था एक्सरसाइज 3.6 का, उसी को आज हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखे क्या है। हर क्वेश्चन में पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे करके फिर गाड़ी आगे बढ़ेगा। कहता है कि रितु कैन रोड डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। और डाउन स्ट्रीम में जब जाती है रितु 20 किलोमीटर तो 2 आवर लेती है। सबसे पहले हम कुछ बातों को समझें कि डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम होता क्या है। देखिए ये मान के चलिए कोई रिवर है, ये क्या है, रिवर है, ठीक है ना। रिवर में हमारा वाटर का जो फ्लोइंग है वो इस डायरेक्शन में है, वाटर का फ्लोइंग क्या है, इस डायरेक्शन में है। अगर आप क्या करोगे, रिवर में जो वाटर है वाटर के डायरेक्शन में चलोगे, अगर कोई मैन जो है, मैन कह ले या बोट कह ले दोनों, अगर ये जो है रिवर के डायरेक्शन में ही चलता है, रिवर के डायरेक्शन में ही स्विंग करता है, आगे बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और अगर आप ये जो रिवर का वाटर जो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई मैन या फिर बोट, दोनों एक ही होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दो दो डाउन स्ट्रीम में दो दो वर्क कर रहे हैं। एक तो ये वाटर है यानी जिसको हम करंट भी बोल सकते हैं, वाटर जो है, करंट फ्लो कर रहा है। एक हमारा कौन, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर हमारा क्या है, फ्लो कर रहा है, और उसी के साथ क्या है, हमारा मैन या फिर बोट, बोट भी क्या है, वो आगे बढ़ रहा है, यानी इसका एक मैन भी है। तो दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका भी स्पीड और इसका भी स्पीड, ठीक है ना। तो बच्चों याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, मैन स्पीड प्लस स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम में क्या याद रखना है, मैन स्पीड प्लस करंट स्पीड, करंट यानी वाटर जिसको बोल रहे हैं उसका स्पीड, ठीक है। और डाउन अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में क्या होता है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन जाते हो, है ना। यानी पानी अगर इधर से बह रहा है तो आप उसको चीरते हुए आप आगे बढ़ते हो। चीरने का मतलब समझते हो, उसके स्पीड से आपका स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसके स्पीड के बराबर तो आपको आना ही है। उससे अब जब आप और स्पीड जब आगे बढ़ोगे तब क्या होगा, आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो धारा आप ही को लेकर क्या है, बह जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें याद रखना है कि मैन स्पीड, मैन स्पीड और माइनस करंट स्पीड, करंट स्पीड इसमें क्या रहेगा, मैन स्पीड और प्लस करंट स्पीड, इसको हटा दे, अब सीधा लिखे करंट स्पीड, करंट स्पीड, ओके। दोनों में पहले मैन और बाद में करंट, इसमें भी मैन बाद में करंट, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम माइनस, बस इतने बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए कहता है कि रितु जो है ना, रितु क्या कर रही है भाई, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम में रोइंग कर रही है, तैर रही है, और वो 20 किलोमीटर का सफर जो है, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 2 आवर में क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो जब करंट के साथ वो जा रही है तो रितु भी बढ़ रही है आगे, करंट भी जा रहा है आगे उसके साथ, है ना। तो इसका मतलब दो स्पीड वर्क कर रहा है, एक रितु का एक करंट का, तो यहीं पर स्पीड मानना होगा आपको। लेट द स्पीड ऑफ रितु एंड वाटर करेंट, कहीं कुछ लिखता है स्टिल वाटर, चलिए तो वाटर करेंट, है ना, वाटर करेंट आर एक्स किलोमीटर पर आवर एंड वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। देखिए तो क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर वो जाती है। तो सबसे पहले बच्चों यहां से आपको निकाल लेना होगा फटाफट आपको डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हमने क्या बोला, मैन का स्पीड यानी रितु का स्पीड और प्लस करंट का स्पीड यानी वाई किलोमीटर पर आवर, और तुरंत निकाल लेना है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में हमने आपको क्या समझाया कि मैन का स्पीड
यानी ऋतु का स्पीड माइनस करंट का स्पीड एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है ना? केस फर्स्ट हम लोग चले, केस फर्स्ट चले तो क्या है, ऋतु ट्रेवल्स, यहां लिख देंगे हम लोग जरा सा, ऋतु ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन 2 आवर, है ना? तो भाई यहां से हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ना? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। इसको आप लिखो या ना लिखो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैं घेर ही देता हूं, आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने बता दिया था, ठीक है? तो यहां लिखेंगे बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है? आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। डिस्टेंस कितना कवर की? 20 किलोमीटर। किस स्पीड के साथ? तो वो डाउन स्ट्रीम गई है, और डाउन स्ट्रीम हमारा क्या है? एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई इंटू स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना? 2, 2 से 2 टेंस कैंसिल, तो यानी बचेगा क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये क्या हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है? अगेन, या फिर केस टू आप ले सकते हैं यहां से। केस टू में क्या है, फिर अगेन चलेंगे यहां से। अबरी क्या कहता है कि ऋतु अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर 2 आवर में गई है ना? तो क्या है कि ऋतु ट्रेवल्स 4 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है ना? तो इस बार क्या है, डाउन अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 4 किलोमीटर है ना, और इक्वल टू स्पीड एक्स माइनस वाई, टाइम 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। किलोमीटर लिखिए चाहे नहीं लिखिए, भी इसको हटाइए, लेकिन इक्वेशन 2 लिखना जरूरी है। अब आइए बच्चों, देखिए ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया है ना। अब इस इक्वेशन के हमको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन बी गेट। तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है आप दोनों को अगर ऐड करो, ठीक है ना, तो मैं लिख ही देता हूं भाई यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 6, सॉरी अभी नहीं, दिमाग आगे काम करता है, देख रहे हो, 2 से 6, इसका मतलब x इक्वल टू कितना, 6, x इक्वल टू कितना, 6। अब x का वैल्यू 6 आ गया, तो यहाँ पे मैं जरा लिख लूँ इसको कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी यहाँ से लिखूं तो मैं बताऊं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट क्या रहता है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसका मतलब x दिया हुआ है 6, तो प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू कितना, 4, y इक्वल टू 4। तो यहाँ लिख देना है बच्चों, यहाँ हेंस लिखना है, ये सब सिंपल सा इक्वेशन आ गया ना, एकदम बहुत ही आसान सा इक्वेशन है जिसको आप आराम से बनाएंगे। तो हेंस क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ किसका किसका माने, ऋतु का, स्पीड ऑफ ऋतु इक्वल टू x माने थे 6 किलोमीटर पर आवर, है ना, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी करंट जिसको बोलते हैं, है ना, स्ट्रीम का कितना हो जाएगा, वाई होगा था, और वाई 4 किलोमीटर पर आवर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक 6 किलोमीटर पर आवर, एक कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, बस और कुछ नहीं, ठीक ना। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन अक्सर ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है ना, ये सब बढ़िया क्वेश्चन में से आता है, बोर्ड का फेवरेट है ये सब, तो आप लोग सब लोग ध्यान रखना है ये सब क्वेश्चन को। अब आइए, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो टाइम एंड वर्क का भी मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको पहले दे दूं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट आपको मैं क्या दूं ये समझिए,
टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। देखिए टाइम जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वर्क का, किसका होता है वर्क का। अगर टाइम और वर्क ठीक है ना एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर वर्क ज्यादा कराना है ना, वर्क ज्यादा कराना है, वर्क अगर यहाँ पे ज्यादा है तो टाइम क्या होगा, टाइम कम होगा, टाइम क्या होगा कम होगा। और अगर ऐसे लिखे वर्क वन बाई टाइम, और टाइम अगर ज्यादा है तो वर्क क्या होगा कम होगा, ठीक है ना। एक दूसरे का क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे आप देखेंगे अभी मैं बताता हूं। तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि टू वुमेन एंड फाइव मेन कैन टुगेदर फिनिश अ एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। क्या है कि एक एम्ब्रॉयडरी वर्क करना है जिसको फिनिश होने में 4 डेज लगते हैं, लेकिन उसके लिए टू वुमेन और फाइव मेन को लगाना पड़ता है, ठीक है ना। फिर आगे कहता है वाइल थ्री वुमेन एंड 6 मेन, अब वुमेन की संख्या बढ़ाया और मेन की भी संख्या बढ़ा दिया, ठीक है ना। जब दोनों का संख्या बढ़ेगा, अभी बोले थे है ना, अगर लोग ज्यादा होंगे तो वर्क जल्दी फिनिश होगा, लोग ज्यादा होंगे तो वर्क जल्दी फिनिश होगा, और लोग कम रहेंगे तो वर्क लेट से फिनिश होगा। ये तो हम लोग क्या है डेली लाइफ में भी देखते हैं, है ना। एक रूम है उसमें 4 दीवार है, चारों वाल को अगर आपको पेंटिंग कराना है 4 लेबर लगा दीजिए तुरंत हो जाएगा, 1 लेबर को रहने दीजिए, 1 लेबर क्या है वो 2 दिन लगा देगा, है ना। अब 4 लोग मिलेगा तो जल्दी करेगा ना, अब 1 लोग बेचारा करेगा अकेले, 1 मजदूर करेगा, 1 लेबर अकेले करेगा, कितना लोग तो करते करते टाइम लगेगा। तो वही बात है, देख रहे हैं 2 वुमेन और 5 मेन था तो 4 डेज लगा, अब एक बढ़ा दिया 3 वुमेन और 6 मेन लगा दिया तो 3 दिन में वर्क फिनिश हो गया, लोग ज्यादा हुए काम जल्दी हो गया। सर फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन एंड 1 मैन टू फिनिश द वर्क। कहता है 1 मैन और 1 वुमेन अगर अकेले अकेले वर्क करे तो उस वर्क को कितना दिन में फिनिश कर पाएगा, है ना। तो आइए हम लोग यही सपोज कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क, फिनिश किससे नहीं लिखाया, फिनिश द वर्क बाई 1 वुमेन एंड 1 मैन अलोन आर एक्स डेज एंड वाई डेज रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर एक हम वुमेन से काम करवाएं तो कितना दिन में एक्स डेज में कंप्लीट होगा, समझिएगा। एक वुमेन एक वर्ष को कितना दिन में एक्स डेज में कंप्लीट करेगी, कितना दिन में एक्स डेज में कंप्लीट करेगी, समझिएगा यहीं पे बात को, है ना। एक वुमेन तो भाई 1 डे में कितना वर्क करे, 1 डे में वर्क कितना होगा तो 1/x वर्क होगा। तो एक वुमेन थी ना अगर हम 2 वुमेन के लगा देंगे तो 2/x हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, समझ रहे हैं, उल्टा हो गया है ना। उसी तरह से फिर समझिएगा, एक मेन जो है एक वर्क को वाई डेज में करता है ना, वाई डेज में। अभी यहां पर समझ लीजिए, आप यहां पे देखिए तो 1 डे में कितना वर्क होगा तो 1/y वर्क होगा, ठीक। अब हमको 5 मेन से काम करवाना है तो 1 मेन तो इतना किया तो 5 मेन कितना करेगा तो 5/y, 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/y, समझ रहे हैं। तो बस इसी बात को यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है थोड़ा। तो कैसे यूज करेंगे जरा देखिए, मजा आएगा। नाउ या फिर बाय द क्वेश्चन है ना, लिखेंगे यहाँ पे वर्क फिनिश्ड बाय 1 वुमेन या वर्क फिनिश्ड इन वन डे बाय 1 वुमेन। एक वुमेन के द्वारा 1 दिन में कितना वर्क फिनिश होगा तो वुमेन को हमने क्या माना है,
ओवेन को हमने माना एफ, तो वन बाई एफ. फिर आगे लिखेंगे वर्क फिनिश्ड बाई, यही बात लिखना है, फिनिश्ड बाई, फिनिश्ड इन वन डे बाई वन मैन, एक मैन के द्वारा कितना, तो वन बाई वाई वर्क. ये हो रहा है क्या वर्क, ये भी हो रहा है क्या वर्क. ठीक है, एक मैन एक दिन में कितना वर्क करेगा, वन बाई वाई. एक मैन एक वोमेन एक दिन में कितना वर्क करेगी, वन बाई एक्स. ठीक है, तब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि एक वोमेन वन बाई एक्स वर्क करती है तो टू वोमेन कितना करेगी, तो टू बाई एक्स करेगी, है ना. अब प्लस एक मेन करता है वन बाई वाई, तो फाइव मेन कितना करेगा, फाइव बाई वाई इक्वल टू टोटल फिनिश कितना होगा वर्क, तो फोर डेज में वन वर्क, फोर डेज में वन वर्क, तो एक डेज में कितना, वन बाई फोर वर्क, वन बाई फोर वर्क. देखिए ये भी वर्क है ये भी वर्क है, इक्वेशन यही कहता है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस में होना चाहिए, इधर भी वर्क और इधर भी वर्क, दोनों जगह वर्क ही हो रहा है. क्लियर है, आगे चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट लगाते हैं और लिखते हैं एंड करके, एंड फिर आगे क्या कहता है, कहता है थ्री वोमेन एक वोमेन वन बाई एक्स वर्क, तो थ्री वोमेन कितना, थ्री बाई एक्स वर्क, और प्लस एक मेन वन बाई वाई, तो सिक्स मेन कितना, वन बाई सिक्स बाई वाई. थ्री डेज में वन वर्क, तो वन डेज में कितना वर्क, वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री. और ये कितना हो गया इक्वेशन सेकेंड. अब आपको इसको फिनिश करना है ना, तो फिनिश करने के लिए हमने बताया था कि देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों जगह प्लस ही भाई, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस कोफिशिएंट को भी इक्वल करना है. किसको करना चाहते हैं, एक्स की वाई को, किसी को भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता. लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई, हम इसको करने वाले हैं तो थ्री एंड टू से, थ्री से इसको और टू से इसको, है ना. और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट देम, और दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. चलिए आइए थ्री से कीजिए सिक्स बाई एक्स, प्लस थ्री से करना है फिफ्टीन बाई वाई, और थ्री से करना है थ्री बाई फोर. इसको करना है टू से, तो सिक्स बाई एक्स, प्लस करना है टू से ट्वेल्व बटे वाई, और इधर करना है टू से तो टू बाई थ्री. एलसीएम अभी तो होगा नहीं, बाद में करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, वाई दोनों में सेम, तो 15 माइनस 12 3. यहाँ पे बनाते हैं भाई आगे, 15 माइनस 12 कितना 3, तो 3 बाई वाई इक्वल टू इधर कितना 3 बाई 4 प्लस 2 बाई 3, माइनस है, है ना, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा 3 बाई 4 माइनस 2 बाई 3. एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा 12, 12 होगा तो 4 3, 3 जा 9, और ये 3 4, 4 2 जा 8, यानी 1 बाई 12, 1 बाई 12. ठीक है, तो आइए बच्चों मिला क्या, 3 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 12, बाई क्रॉस इधर 12 क्रॉस इधर, इसका मतलब बाई इक्वल टू 36, बाई इक्वल टू 36. ओके, बाई का वैल्यू कितना 36. अब चलते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट सेकेंड में, किसी में, चलिए फर्स्ट में रखते हैं इस बार, फर्स्ट में, तो क्या होगा 2 बाई एक्स प्लस 5 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई 4. देखिए 2 बाई एक्स और प्लस 5 बाई वाई का मतलब y कितना है 36 है ना, और 1 बाई 4. अब यहां से क्या हो जाएगा भाई, 2 बाई एक्स इक्वल टू उधर उठ जाएगा तो 1 बाई 4 माइनस 5 बाई 36. आगे देखें तो 2 बाई एक्स बराबर 36 एलसीएम होगा, 4 9 जा और 5, तो हो जाएगा 2 बाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 5 4 बाई 36. 2 से फिनिश होगा 2 बार में, या 2 से होगा 18 बार में, है ना, तो मिलेगा क्या 1 बाई एक्स बराबर 1 बाई 18, क्या हो जाएगा 18. ठीक है, थोड़ा सा और स्पेस हमको लेना पड़ जाएगा अब, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x इक्वल टू, इसलिए यहीं पे मैं लिख दूं, इसलिए x इक्वल टू 18, इम्प्लाई डेट का भी रखते हैं x इक्वल टू 18.
एक्स हमारा कितना आ गया 18 आ गया, वाई कितना आया 36। एक्स किसको माने थे, एक्स माने थे वोमेन को, है ना। तो लिखेंगे वर्क डन, है ना, बाय वन वोमेन, वोमेन वन वोमेन इक्वल टू कितना, वोमेन है हमारे कितनी एक्स, तो 18 डेज में कंप्लीट कर देगी, कितने दिन दिन में 18 डेज में। हेंस लिख करके भी करना है, हेंस लिख देना है, स्पेस का थोड़ा कमी है। और वर्क डन, वर्क डन बाय वन मैन, एक मैन कितना करेगा 36 डेज में, 36 डेज में, ओके इस तरह से। तो एक वोमेन 18 डेज में और एक मैन 36 डेज में, ठीक है ना। किसी को चेक करना होगा, चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि हर वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन जरूर चेक करने के लिए बता दिया है, आप इसको चेक करना आपको फायदा करेगा। देखिए ये जो आया है x का वैल्यू, ये आया है y का वैल्यू। x के ऊपर आप 18 रखिए, 2/18 और 5/ कितना 36। ओके बच्चों, हम इधर से करते हैं 1/4 आ जाना चाहिए, देखिए तो 36 एलसीएम 2 से 4 और ये 5, 9/36 कैंसिल आउट तो 1/4 आ गया, समझ रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्लियर है बच्चों, ये हुआ। याद रखना यहाँ पे कि वर्क जो होता है वो टाइम का इनवर्स, या यूं कहे कि टाइम जो होता है वर्क का, एक दूसरे का वो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबको 1/x 1/y ऐसे करके निकाल देना है, सारे को 1/1/y कर देना है, ठीक है ना। यहाँ तक कि डे को भी, डे को तो करना ही ना इनवर्स, क्योंकि अभी बोले कि डे जो होता है यानी टाइम जो होता है एक दूसरे का इनवर्स होता है, तो फिर तो होगा ही होगा। आइए अब आपका इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी जरा देख ले। लास्ट क्वेश्चन है ट्रैवलिंग वाला, चलिए देखते हैं। कहता है रोहित ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड बस। अच्छा, आप घर जाते हैं छुट्टी के दिनों में, तो आप कुछ सफर को ट्रेन से करते हैं, कुछ सफर को बस से करते हैं, कुछ सफर को मोटरसाइकिलों से करते हैं, नहीं गांव तक जाने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, अभी तक फिलहाल बस का बात है। तो 300 किलोमीटर रोही जो है पार्सली ट्रेन से की है और बस से की है। शी टेक्स 4 आवर, उसको 4 आवर घर पहुंचने में लगा, जहां थी वहां से घर पहुंचने में 4 आवर लगा। इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, है ना। अगर वो क्या की है कि 60 किलोमीटर ट्रेन से सफर की है, अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से सफर की है तो इसका मतलब टोटल 300 था, 300 में 60 ट्रेन तो 240 बस से, है ना। 30 किलोमीटर ट्रेन से, बाकी 240 बस से, क्लियर है। आगे आइए, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, है ना। अब कहता है कि अगर वो दूसरी बार जब इधर से जाती है तो 100 किलोमीटर क्या है वो ट्रेन से सफर करे, नहीं हाँ ट्रेन से, अगर 100 किलोमीटर ट्रेन से सफर करेगी तो 100 इसमें ट्रेन से हो गया, तो बाकी जो रेस्ट बचा हो तो बस से हो जाएगा ना। तो 100 चला गया तो कितना 200, फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाकी किससे, बस से, तो बाकी है कितना 240। सेकेंड केस में 100 किलोमीटर ट्रेन से, तो बाकी जो बचा तो बाकी है कितना 200 किससे, बस से, क्लियर है। फर्स्ट में लगा 4 आवर और सेकेंड में थोड़ा क्या लगा इस बार 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, फाइंड द स्पीड ऑफ, इसका टाइम नहीं दिया है भाई, हाँ दिया है 4 किलोमीटर 4 आवर। शुरू में लगा कितना, देखिए रेड पेन, हाँ 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हर होम पार्सली बाय ट्रेन पार्सली बाय सी टेक्स 4 आवर, स्टार्टिंग में 4 आवर लगा है 60 किलोमीटर ट्रेन से, और इसका मतलब रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना 240 किलोमीटर बस से, ठीक। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगली बार ट्रेन से चलती है 100 किलोमीटर एंड द रिमेनिंग बाय बस, रिमेनिंग बाय बस, और दोबारा क्या है बस से चलती है, ठीक है, तो टाइम कितना लगता है, तो कुछ नहीं दिया है तो 4 आवर ही होगा। ऐसे फिर भी मैं फिनिश एक बार कर लूं क्वेश्चन को, जरा देख लूं तो क्लियर हो जाए कि कहीं क्वेश्चन में कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया। हाँ भाई छोड़ दिया है,
100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अच्छा एक यहाँ पर छूट गया है, एक सीट सीट टेक्स 10 मीटर लॉन्गर। ओहो देखिए यहाँ एक लाइन छूट गया, यहाँ पे एक लाइन छूट गया, यहाँ पे जो छूटा हुआ है उसको मैं लिख दूं, सीट टेक्स वही हमको लगा 10 मीटर सॉरी 10 मिनट लॉन्गर, सीट टेक्स आ गया 10 मीटर लॉन्गर। हाँ 10 मिनट लॉन्गर मतलब पहले लगा 4 आवर तो अब कितना लगा, अब 10 मिनट ज्यादा लगा तो 4 आवर 10 मिनट लगा। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन था। आइए अब बात करते हैं हम लोग कि बनेगा कैसे। तो क्लियर हो गया आपको, दो तरह का स्पीड उसने ट्रेवल किया, एक मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस, या फिर स्पीड ऑफ बस भी लिख लेना कोई दिक्कत नहीं, स्पीड ऑफ बस आर x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ओके कितना चली ट्रेन से x किलोमीटर और बस से y किलोमीटर। ठीक है तो चलते हैं बाय द क्वेश्चन, यहां लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 300 किलोमीटर एंड टाइम टेकन टोटल टाइम, अभी इसको मत लिखिए अच्छा रहेगा, केस वन केस टू लेंगे तब लिखेंगे है ना। लिखते हैं केस वन, केस वन में क्या कहता है क्वेश्चन में कि उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से सफर की है ना। सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर बाय बस है ना। ये देन टाइम टेकन इक्वल टू 4 आवर, कितना लगा 4 आवर। अब देखिए बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या है ना, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए टाइम टेकन जो ली है वो क्या है, ट्रेन में गई उसमें टाइम लगा, बस में गई उसमें टाइम लगा, तो ट्रेन में कितना टाइम लगा तो 60 किलोमीटर गई है, स्पीड कितना था x था ट्रेन का, फिर प्लस वो बस में गई बस का 240 और स्पीड कितना y, टोटल टाइम कितना लगा 4 लगा। आप चाहोगे तो यहां से 4 कॉमन भी निकाल सकते हो, अगर 4 कॉमन निकालोगे तो हो जाएगा 15/x और प्लस ये हो जाएगा 60/y = 4, इसलिए निकाला क्योंकि ये कैंसिल हो सकता था, तो हमने यहां निकाल दिया बचा 15/x और प्लस 60/y = कितना 1। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आगे केस टू में क्या कहता है, सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड या फिर हाँ एंड 200 किलोमीटर बाय बस है ना। 100 किलोमीटर किससे चली है, ट्रेन से चली है ना, तो ये सब मैं हटाऊं ठीक है बस, देन टाइम टेकन इक्वल टू पहले से 10 मिनट ज्यादा ले रही है, तो पहले से कितना टाइम ली थी, पहले से 4 आवर ली थी और अब 10 मिनट ज्यादा यानी 10/60 आवर में ही रखते हैं, डाटा को आवर में रखते हैं तो अच्छा रहेगा, ये इससे ये कैंसल। देखिए कितना ली, अब समझिएगा 100/f प्लस 200/y = 64 जा 24 + 1 = 25/6, 25 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 25 और कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4/x, ये बचेगा 8/y = बचेगा 1/6 ठीक है, ये बचा, इसको आप इक्वेशन सेकेंड लगा लेना है। ठीक है बच्चों ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो आपको समझ में आया
कि हमारे इक्वेशन कौन कौन हुए, एक इक्वेशन हुए 15 बाई एक्स प्लस 60 बाई वाई इक्वल टू 1 और दूसरा हो गया ये दो इक्वेशन, ठीक है। अब मैं सारे को हटाता हूँ, सिर्फ इक्वेशन को रखता हूँ। अब यही इक्वेशन आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आगे, ठीक है। ये सब सारा मैं हटा देता हूँ ताकि अब मुझे जगह मिले कि आगे मैं बना पाऊं। यही एक क्वेश्चन है जिसमें अलग से हमको बनाना पड़ जाता है ना। लॉन्ग तो इसको और मैं घिस सकता हूं, लेकिन लॉन्ग ज्यादा घिंचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकेंड, मैं यहीं पर कुछ बात कर लूं फिर आगे बढ़ू। देखिए यहाँ क्या है, 4 बाई एक्स है, यहाँ 15 बाई एक्स है ना। अगर इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे और इक्वेशन 2 को हम अगर 15 से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो बात बन जाए, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई किसे, 1 को 4 से एंड 15 से, है ना, रिस्पेक्टिवली, फिर सब्ट्रैक्ट दें। दोनों क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करके फिर इसको मिटा देंगे, तो 60 बाई एक्स और प्लस 4 से कर रहे हैं 240 बाई वाई इक्वल टू 4 से, तो 4, अच्छा बात वहीं पर पहुंच गया जहां काटे थे। ये हमको 15 से कर रहे थे 60 बाई एक्स और प्लस आप 15 अठी 20 120 बाई वाई इक्वल टू 15 बाई 6, इसको काट भी सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं काटते हैं बाद में, माइनस माइनस, ओके बच्चों। आइए इसको मैं हटाता हूं, देखिए एक तो आपका लिमिट हो गया होगा 60 आपका कंप्लीट है, कैंसल खत्म। देखिए वाई सेम, 240 माइनस 120 कितना 120 बाई बाई इक्वल टू, इधर आप माइनस कीजिए 4 माइनस 15 बाई 6, आप इसको थोड़ा फिनिश करेंगे तो 24 माइनस 15, 24 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 बाई 6 हो जाएगा, है ना, आपने तो करके देख लेना है ना, 6 24 माइनस 15 कितना 9 बाई 6, 9 को काटेंगे 3 टाइम्स में, इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, और एक मिनट इसको रहने दीजिए नहीं तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा। अब यहाँ एक स्टेप और लिख लेते हैं हम, 120 बाई वाई इक्वल टू 9 बाई 6, अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से काटिए 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये कटेगा 3 टाइम्स में 40, 42 जा 80, वाई इंटू 1 वाई, इसका मतलब वाई इक्वल टू कितना 80, ठीक। और वाई का वैल्यू अब कहाँ पुट करना है, फर्स्ट या सेकेंड में कहीं भी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, चलिए फर्स्ट तो एक्चुअली मैं मिटा दिए है, लेकिन कोई बात नहीं यही है ना, फोर कॉमन लेके हटा के भी कर सकते हैं, तो 60 बाई एक्स और प्लस 240 बाई वाई, वाई का मतलब 80 और इक्वल टू 4, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स में, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 बाई एक्स इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 1, तो एक्स इक्वल टू कितना 60, एक्स इक्वल टू कितना 60। अब देखिए कंफ्यूजन का एक सब्जेक्ट आ गया कि हमने किसको माना था, मुझे लगता है ट्रेन को माना था, है ना, यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन मिला लेना है बच्चों आपको, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ बस बस का कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ओके, ये आपका फिनिश, ठीक ना, इस तरह से। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना, तीनों अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, एक लेवल का क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, है अगला एक्सरसाइज हमारा 3.7 होगा जो लास्ट टॉपिक होगा इस पूरे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, है ना। तो मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।